जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये होने वाला है कि बाकी सब सेक्टर जैसे CISF, BSF, ITBP, असम राइफल, इन सब की जो ज्वाइनिंग है वो कब होगी, और जो अभी जिनकी ज्वाइनिंग आ रही है जैसे CRPF में कई लोगों की ज्वाइनिंग आ गई, कईयों को ऐसा लग रहा है कि सर ये जो टोटल ज्वाइनिंग नहीं होकर हाफ ज्वाइनिंग होगी, तो ये पूरा का पूरा वीडियो इसी बारे में ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस किस की ज्वाइनिंग कब शुरू होने वाली। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी ज्वाइनिंग कब आने वाली। दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में जितने भी ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं, जैसे पहले गुजरात के शुरू हुए थे, अब राजस्थान के भी शुरू हो गए CRPF के, और राजस्थान के अलावा अदर स्टेट जैसे MP में भी आने लग गए। सभी स्टेट में धीरे धीरे CRPF के ज्वाइनिंग लेटर आने लगे। आपने खुद ने देखा होगा, सबसे पहले गुजरात गांधीनगर जी सी के आए थे, उसके बाद में अजमेर जी सी के भी आने लगे, गुड़गांव जी सी के भी आने लगे, दिल्ली जी सी झाड़ूदा कला के भी आने लगे। यानी लगभग लगभग CRPF जितने भी जीसी है, ग्रुप सेंटर है, सभी ग्रुप सेंटरों से हाँ थोड़ा सा डेट में बदलाव, जैसे गांधीनगर वालों को आया तो उनका 15 मार्च ज्वाइनिंग डेट है, और अजमेर जीसी वालों को 17 मार्च आ रहा है, और कईयों का 19 मार्च आ रहा है। मतलब जिस हिसाब से जो ज्वाइनिंग लेटर जितना आगे पीछे हो रहा है, उतना ही आपका ज्वाइनिंग का टाइम आपको एक महीने का, जैसे मैंने बोला था एक महीने का टाइम आपको मिलता ही मिलता है उसमें, तो आपको एक एक महीने का टाइम दे रहा है। अब इसके अलावा कईयों का ऐसा भी हो रखा होगा अभी प्रेजेंट टाइम में कि उनके पड़ोसियों के, जैसे अगर उसके गांव में या आसपास में अगर कोई CRPF के, तो उनके 4-5 बंदों का आ गए हैं, किसी एक या दो बंदे का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, तो वो बार बार मैसेज करते हैं कि सर उनके ज्वाइनिंग लेटर आ गए, हमारे ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आए। तो देखो एक ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक ही विलेज से बिलोंग करते हो, एक ही सिटी से बिलोंग करते हो, एक ही जगह से बिलोंग करते हो, तो आपके ज्वाइनिंग लेटर केवल एक ही जीसी से आएंगे, ये कोई पक्का नहीं है। जैसे अगर मान लो एक ही विलेज से आप 5 बंदे एक ही डिपार्टमेंट में, जैसे अगर मान लो CRPF में, तो उसमें क्या होता है कि जब ज्वाइनिंग लेटर निकलता है ना, वो एक फिक्स क्राइटेरिया में बटे होते हैं कि ये वाले इस ग्रुप सेंटर में रहेंगे, ये वाले उस ग्रुप सेंटर में, तो आपका ये हो सकता है कि दूसरे ग्रुप सेंटर से आपका ज्वाइनिंग लेटर आए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका उसके साथ ही ज्वाइनिंग लेटर आए, अगर उनका आया तो ग्रुप सेंटर उनका सेम होगा, तो हर एक ग्रुप सेंटर में, एक ग्रुप सेंटर में एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा तो आपको ज्वाइनिंग देंगे नहीं। उसके अलावा एक जो मेन चीज़ रहती है डिपेंडेंट, वो रहती है आपके मार्क्स पे। तो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद में जितने आपके नंबर बने, देखिए कि जिनके नंबर नज़दीक, जैसे अगर 82 है किसी के, 81 है या किसी के, 83 है, तो उनका ज्वाइनिंग एक ही ग्रुप सेंटर में आ रहा है। अगर आपके नंबरों में काफ़ी डिफरेंस है, 3-4 नंबर 5 नंबर का अगर डिफरेंस है, तो उनका अलग जीसी होता है। तो वो क्या था, जिस टाइम पे होता, इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, कई बार नंबरों के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये नंबर वाले इस ग्रुप सेंटर में ज्वाइन करेंगे, ये नंबर वाले इस ग्रुप सेंटर में ज्वाइन करेंगे, उनको एक हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि स्टेट वाइज डिवाइड कर देते हैं कि भाई इस स्टेट के इस ग्रुप सेंटर में ज्वाइन करेंगे, इस स्टेट के इस ग्रुप सेंटर में ज्वाइन करेंगे, तो लेकिन फिर भी कई ऐसे स्टेट है जहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा है और ग्रुप सेंटर एक है या दो है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका ग्रुप सेंटर चेंज हो जाता है, इसीलिए आपका ज्वाइनिंग लेटर थोड़ा सा उस ग्रुप सेंटर के हिसाब से लेट हो सकता है। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि सर हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, या हमारा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, हमारा ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया, मेरे पास में 4 बंदों का आ चुका है, मैं आज भी जाके आया हूँ, पोस्ट ऑफिस मेरा नहीं है, तो उसके पीछे एक ही रीज़न हो सकता है। इसलिए आप कम से कम 5 से 7 दिन वेट करें, 5 से 7 दिन में नहीं आता तो फिर मेरे को मैसेज करें। ठीक है, 5-7 दिन का इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे अजमेर जिस वालों को 17 मार्च दिया है, एक 19 मार्च का भी आ रहा है, तो वो 2 दिन अगर लेट दे रहे हैं तो वो ज्वाइनिंग लेटर क्योंकि 2-4 दिन लेट पहुँच रहा है, इसीलिए वो लेट दे रहे हैं। इसलिए आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता आपका किसी और ग्रुप सेंटर से ज्वाइनिंग लेटर आए उसकी डेट कुछ अलग हो। तो 5-7 दिन मैंने शुरुआत में बोला था कि 10 दिन का फ़र्क रहता है, हर एक ग्रुप सेंटर में 10 दिन का फ़र्क हो सकता है आपकी ज्वाइनिंगों में, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी CRPF वाले बंदे हैं जिनका जैसे ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, तो वो परेशान ना हो, आपका भी ज्वाइनिंग लेटर जल्दी आ जाएगा। अगर किसी और ग्रुप सेंटर से आ रहा है तो 2-3 दिन समय एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन हाँ फिर भी नहीं आता तो फिर मैं पता करके आपको ज़रूर बता दूंगा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर अभी होगी या सेकंड लिस्ट में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी आ जाती है कि सर सेकंड लिस्ट में जिनकी ज्वाइनिंग होगी उनका क्या, तो सेकंड लिस्ट में अभी तक ऐसा कोई मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है, ना CRPF ऐसा कर रहा है कि भाई सेकंड लिस्ट में ज्वाइनिंग कराए, क्योंकि CRPF के जितने भी कैंप है, ग्रुप सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर, उनकी इतनी मतलब इतनी एलिजिबिलिटी है कि वो 20,000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग करा सकती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेकंड लिस्ट दे, बहुत ही कम चांस है। अगर देती है तो भी 10-15 दिन का गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 90% चांस ये है कि फर्स्ट लिस्ट में ही सभी की ज्वाइनिंग करा दी जाए। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि फर्स्ट लिस्ट में ही ज्वाइनिंग होगी सभी की, और हर एक डिपार्टमेंट के लिए, CRPF नहीं, बाकी सभी डिपार्टमेंट में जितनी भी सीटें हैं उनकी फर्स्ट लिस्ट एक ही लिस्ट में आप सभी की ज्वाइनिंग होगी। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को रहता है कि सर अगर हमको ज्वाइनिंग पोस्टपोन करानी हो तो क्या हम ज्वाइनिंग पोस्टपोन करा सकते हैं, क्या बाद में ज्वाइनिंग कर सकते हैं? तो देखो मैंने पहले भी बताया वीडियो में, हाँ ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आए
तब आपके पास में उसके लिए एक फिक्स रीज़न होना चाहिए कि मैं इस कारण बस। अगर आप बोलोगे कि मैं किसी एग्ज़ाम के लिए ये जॉइनिंग लेटर पोस्टपोन करूँ तो वहाँ पर मानेंगे थोड़ा ना DIG महोदय। अरे आपको जब अदर ही एग्ज़ाम देने थे फिर आपने इसका फॉर्म ही क्यों भरा? क्यों? आपके पास में एक फिक्स मजबूत रीज़न होना चाहिए उसके लिए, ताकि आपकी बात वहाँ सुन जाए। ऐसे आपकी ज्वाइनिंग पोस्टपोन नहीं होगी। कईयों को ये गलत फहमी है कि हम बोल देंगे हमारी ज्वाइनिंग नहीं है, हमारे एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इतनी इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। एक फिक्स मजबूत रीज़न, जैसे एक अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है वो अपनी ज्वाइनिंग पोस्टपोन करा सकती है। उसके पास में सीधा सा रीज़न है कि आई एम प्रेग्नेंट, इस समय मैं ट्रेनिंग करने के काबिल भी नहीं हूँ, ड्यूटी करने के काबिल नहीं, तो मैं 5 महीना 6 महीना अपनी ज्वाइनिंग को पोस्टपोन कराना चाहती हूँ, तो वो एक रीज़न हो सकता है। अगर कोई लड़का है उसका कोई फिक्स रीज़न है, उसका पारिवारिक रीज़न है या उसके खुद की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो अपनी ज्वाइनिंग को थोड़ा सा डिले करा सकता है। वो भी वहाँ की DIG मोदी से इंटरव्यू लेके, या जहाँ आपका ग्रुप सेंटर है जहाँ ज्वाइनिंग दी है वहाँ से बात करके। लेकिन केवल आप बोलोगे कि मेरे LDC का एग्ज़ाम है, मेरे उसका एक टीचर का एग्ज़ाम है, तो आपको सीधा एक ही बात बोलेंगे, जब वो एग्ज़ाम देने बैठा तो फिर फौज में फार्म क्यों भरा? ठीक है, फिर वही एग्ज़ाम दे लो, आपकी निष्कासित कर देते ज्वाइनिंग, सीधा यह आंसर 100% मिलेगा आपको, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए आपके पास में मजबूत रीज़न होना चाहिए अगर आप पोस्टपोन कराना चाहते हो तो। अब इसके बाद में बात करते हैं कि सर बाकी जो डिपार्टमेंट है इनकी ज्वाइनिंग कब आ रही है। ये बात मेरे को बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर इनकी ज्वाइनिंग कब आ रही है। तो जैसे मैंने बताया था कि आप सभी की जैसे CRPF में सबसे पहले शुरू होगी, अगली ज्वाइनिंग किसकी शुरू होगी, तो अगली ज्वाइनिंग हो सकता है कि CISF आपको ज्वाइनिंग दे दे पिछली बार की तरह, या असम राइफल, CISF या ITBP BSF, इनमें से ये मान के चलिए कि फरवरी महीने में लास्ट, अभी 20 तारीख है, फरवरी महीने में लास्ट तक आपको किसी न किसी का ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने CRPF का बोला था कि 15 तारीख से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिल जाएगा, वैसे इनमें से आपको किसी न किसी का 28 फरवरी से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिल जाएगा। 100% है, क्योंकि आप सभी की ज्वाइनिंग मार्च 15 से पहले पहले होनी है, फरवरी लास्ट तक होनी है। लेकिन अगर सभी डिपार्टमेंट थोड़ा वो डिले कर रहे हैं, मैंने बोला था डिले अपनी वजह से कर सकते हैं, बाकी ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वजह से कब के दे दिए गए हैं और CRPF ने जल्दी सिलेक्शन किया और अपनी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो बाकी जो डिपार्टमेंट है वो भी उनकी व्यवस्थाओं में लगे हैं और जल्दी, यानी 5 से 10 दिन के दौरान आपके अब ज्वाइनिंग लेटर सभी के तैयार हो गए। जैसे ITBP का शुरुआत में आया था, तो ज्वाइनिंग लेटर सभी के तैयार है, केवल डेट डालनी और इशू करने, तो आपकी ज्वाइनिंग में टाइम नहीं लगेगा। ये मान के चलिए हो सकता है कि 8-10 दिन में आप BSF और CISF के ज्वाइनिंग लेटर आपको देखने को मिल जाए, या ITBP के, तो मतलब आपको इन 8-10 दिन के अंदर अंदर सभी के ज्वाइनिंग लेटर देखने को 100% मिल जाएगी। साथ ही एक चीज़ और बता दूं कि 15 मार्च ये मान के चलिए लास्ट डेट है, तब तक आप सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार, मुझे पता है कि आपसे इस समय इंतज़ार थोड़ा सा मुश्किल हो रहा आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ये समय अच्छा है, वेट करो अच्छे से। और एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बार बार पूछते रहते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमने बनवा लिया है, तो मैं अपना गला फाड़ फाड़ के मर गया हूँ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग लेटर के साथ में अटैच आता है, वही आपको बनवाना है। ठीक है, तो उससे पहले आप अगर बनवाते हो तो आपकी इच्छा है, बनवाओ ना बनवाओ, मैं हर वीडियो मना करता हूँ, कुछ लोग नहीं मान के बनवा लेते हैं तो बनवाते रहो। ठीक है, तो इसलिए अब बाकी सबके भी ज्वाइनिंग लेटर आप ज़्यादा चिंता ना करें, ना मैसेज करें कि सर ज्वाइनिंग कब आएगा, हमारा ज्वाइनिंग कब आएगा। आपका ज्वाइनिंग ये मान के चलिए 28 फरवरी है, 28 फरवरी से पहले पहले आपको BSF, CISF या CRPF इसमें ITBP में से किसी न किसी का आपको ज्वाइनिंग लेटर वापस देखने को मिल जाएगा। अगर देख ज्वाइनिंग लेटर एक आ गया, इसका मतलब है सभी के शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा 15 मार्च आपकी मान के चलिए लास्ट डेट है, 15 मार्च से पहले पहले आप सभी की जितने भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSGD में जितने भी बंदे सेलेक्ट हुए इस बार, उन सभी की लास्ट डेट ये मान के चलिए 15 मार्च है, 15 मार्च से पहले पहले आप सभी की ज्वाइनिंग हो जानी कन्फर्म है। तो ये आप मान के चलिए थोड़े से दिन, 10-12 दिन ज्वाइनिंग लेटर आ जाने कन्फर्म है, ज्वाइनिंग 30 मार्च तक हो सकती है। तो इसके लिए आप चिंतित ना हो, आप सभी के ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे सभी डिपार्टमेंट के। जय हिंद, जय भारत।